हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। आज हम लोग गुलाब के बारे में बात करेंगे, गुलाब की केयर के बारे में और प्रोपेगेशन के बारे में। देखिए, गुलाब एक पेरिनियल श्रब है और एक बार आप इसको अपने गार्डन में लगा दें तो फिर कई साल तक ये आपको फूल देगा। पर इसकी थोड़ी सी केयर जो है वो बाकी के प्लांट से थोड़ी आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ये एक हैवी फीडर प्लांट है और देखभाल थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए इसके लिए। तो जब आप लगा रहे हैं गुलाब को तो ध्यान रखिए कि इसको थोड़ा सा आपको खाद पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसकी केयर करें। गुलाब वैसे तो देखिए पूरा साल फूल देता है, गर्मियों में भी देगा फूल आपको, लेकिन सर्दियों में इसके फूल ज़्यादा आएंगे और बड़ी साइज़ में आएंगे। सर्दियों में काफ़ी इसकी बड़ी साइज़ के फ्लावर आते हैं। देखिए मेरे अभी गुलाब में काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं। ये भी पुराने हो चले हैं दो फूल और नए फ्लावर्स अभी खिल रहे हैं और काफ़ी सारी नई बर्ड्स भी बन रही हैं पौधों पे। तो गुलाब को बहुत अच्छे से आपको खाद देनी पड़ेगी और धूप भी अच्छी मिलनी चाहिए पौधे को। जहाँ तक हो सके आप इसको ज़मीन के अंदर लगाइए। देखिए मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपके पास में ग्राउंड एरिया है तो आप अपने पौधों को ज़मीन में ही लगाइए, क्योंकि देखिए ज़मीन से जुड़ी हुई हर चीज़ बहुत अच्छे से पनपती है। तो पौधा भी अगर ज़मीन के अंदर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से पनपेगा वो पौधा। और हाँ, अगर ज़मीन में इतनी जगह नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर तो पॉट में लगाना पड़ेगा आपको। पॉट में लगा रहे हैं तो फिर बड़े साइज़ के पॉट्स में लगाइए फूल आपको, क्योंकि इसकी जड़ें थोड़ी सी गहरी जाती हैं और ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी होती है। तो जितना बड़ा पॉट होगा उतना अच्छा पौधा बड़ा होगा और अच्छे से फूल आएंगे उसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें इसमें आप खाद किस तरीके से दीजिए। तो इसमें हर 1.5-2 महीने से आप गोबर खाद दे दीजिए बहुत अच्छे से। अभी मैंने 1.5 महीने पहले ही अपने इनमें फूल पौधों में गोबर खाद दी है। और देखिए गुलाब की जो मिट्टी है वो एसिडिक सॉइल गुलाब को पसंद है, तो इसकी मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी रहे उसके लिए आप इसमें चाय पत्ती, जैसे आप घर में चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती बच जाती है, तो उसको धो करके डिब्बे में कलेक्ट कर लें और 2-3 दिन से फिर पौधों में डाल दीजिए। मेरे यहाँ चाय बहुत बनती है तो मैं इकट्ठी करती रहती हूँ उस चाय को, और उसके बाद में मैं जब इतनी इतनी के करीब इकट्ठी हो जाती है वो मग में रखती हूँ मैं एक। और मैं अपने पौधों में आप देख पा रहे होंगे मैंने काफ़ी सारी चाय पत्ती डाली हुई है। ब्लैक ब्लैक जो आपको दिखाई दे रही है ये सारी मैंने चाय पत्ती डाली हुई है अपने पौधों में, और मैं गुड़ाई भी नहीं करती हूँ, मैं यूँ ही सीधा डाल देती हूँ। फिर पानी के साथ में धीरे धीरे फिर ये इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो जाते रहते हैं इसके पौधे की जड़ों में। तो गुड़ाई भी नहीं करती, मैं सीधे ऐसे ही डाल देती हूँ चाय पत्ती इसमें। तो मैं खूब चाय पत्ती मेरे पौधों में देती हूँ, जैसे एक बार इकट्ठी हो गई तो मैं एक पौधे में दे देती हूँ, दूसरी बार की फिर मैं अपने किसी दूसरे पौधे में दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं गुलाब में बहुत सारी चाय पत्ती डालती हूँ अपने। तो इसकी चाय पत्ती डालेंगे तो इसकी मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी रहेगी। और देखिए इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी खास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को यूज़ कर लीजिए गुलाब में, और उससे वो फिर बहुत अच्छे फूल आपके आएंगे। जैसे किचन में हमारे विनेगर हर घर में मिल जाता है, तो विनेगर भी आप गुलाब में यूज़ कर सकते हैं। विनेगर भी एसिडिक होता है, तो विनेगर जैसे 1-2 चम्मच आप 1 लीटर पानी में 2-3 चम्मच के करीब विनेगर घोल करके, और अपने पॉट में अगर आपने लगा रखा है या ज़मीन में लगा रखा है पौधा तो उसको गुड़ाई करके थोड़ा सा पौधे की और फिर डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप चाय पत्ती डाल दें, विनेगर डाल दें, फिटकरी भी आप डाल सकते हैं। फिटकरी ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, अब अगर आप मार्केट से लेते हो तो 10-20 रुपये में, 20-30 रुपये में काफ़ी अच्छी फिटकरी आपको मिल जाएगी। और उसको फिटकरी को पीस करके और 1 चम्मच फिटकरी को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए, और वो पानी आप अपने गुलाब के पौधों में दे दीजिए। तो फिटकरी भी बहुत अच्छी रहती है गुलाब में। फिटकरी डालने के बाद भी आप रिज़ल्ट देखेंगे तो खूब अच्छे फूल आ रहे होंगे आपके गुलाब में। और खाद इसमें आप 1.5-2 महीने से अच्छे से डाल लीजिए। तो इस तरीके से आप अगर अपने, देखिए आप गुलाब लेकर के आते हैं और उसकी केयर नहीं करते, खाद नहीं देते हैं, तो फिर उसमें इतने फूल नहीं बनेंगे। खाद अच्छे से देंगे और अच्छी केयर कर लेंगे तो फिर गुलाब में अच्छे फूल आएंगे। और धूप भी अच्छे से मिलनी चाहिए इसको, 4-5 घंटे की अच्छी सनलाइट मिल जाए। और हाँ, इसकी प्रूनिंग भी करते रहनी चाहिए, जैसे हर साल अक्टूबर के महीने में इसकी प्रूनिंग होती है,
तो अक्टूबर के महीने में, जैसे अब ये नहीं है कि आप ये बड़ा पौधा हो गया तो इसको बढ़ते चले देना है, चले जाना है, अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग करेंगे, और जितनी आप उसको साल में एक बार इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ही इसमें अच्छी फिर नई ब्रांचेस बनेंगी, और फिर नए जितनी नई ब्रांचेस देखिए इस पे आती हैं, इसमें देखिए ये जो भी फूल बनते हैं ना वो नई ब्रांच पे बनता है। यहाँ से एक ये देखिए, ये भी नई ब्रांच है और ये देखिए कली बन रही है। तो जितनी इसमें नई ब्रांचेज आएंगी उतने ही इसमें फ्लावर्स आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रूनिंग करें। अक्टूबर के महीने में इसकी प्रूनिंग होती है, और जब आप प्रूनिंग करेंगे तो इसमें नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और फिर उसमें नए नए फ्लावर्स आएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है करनी, और हर कभी नहीं, आप अक्टूबर के महीने में कर लीजिए उसको। और ये कुछ केयर टिप्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब भर भर के आपको फूल देंगे। और ये देखिए बटन रोज़ पे तो बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं इस वक्त मेरे। ये भी ज़्यादा पुराना पौधा नहीं है, अभी लेके आई थी मैं कुछ टाइम पहले। इसमें तीन चार फूल बने हुए हैं और काफ़ी सारे बर्ड्स बने हुए हैं देखिए। और प्रोपेगेशन की अगर बात करें तो प्रोपेगेशन आप इसका ये जो कलम से बहुत अच्छे से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई भी इसकी 5-6 इंचज़ की एक स्टेम, जैसे पेंसिल के साइज़ की स्टेम काट लीजिए आप। देखिए मैं बताऊँ आपको, इतनी बड़ी इतनी मोटी ये ब्रांच देख पा रहे हैं आप, इतनी मोटी एक ब्रांच, इतनी बड़ी 6 इंच के करीब यहाँ से लेके और यहाँ तक इतनी बड़ी एक कलम काट लीजिए और उसको आप ग्रो कर लीजिए। और बहुत इजीली इसकी कटिंग्स लग जाती हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है या तो फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग ग्रो करें या अगस्त के महीने में ग्रो करें, उसके अलावा थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप करते हैं तो। फरवरी और अगस्त में इजीली इसकी कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम मौसम अच्छा रहता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और अगस्त में क्या होता है कि नमी बनी रहती है मौसम में। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो कटिंग से ग्रो किए हैं, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए एक तो ये जो मेरा प्लांट है, सॉरी ये वाला कटिंग से ग्रो किया हुआ है, ये देखिए ये वाला प्लांट, अभी इसमें कोई फ्लावर आया हुआ नहीं है, अब आएगा। ये देखिए नई ब्रांच निकल रही है इस पे ये वाली, और इसमें अब फूल बनेगा। उसके अलावा ये एक पौधा है मेरा, ये देखिए ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, आप देखिए कितना छोटा सा पौधा है और इसमें ये बड बना हुआ है, ये देखिए इस पे अभी फूल आएगा। ये मैंने इसी साल अगस्त में कटिंग्स ग्रो की थी वो है, और एक ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये कोई बड़ी जैसे जल्दी ग्रो, कटिंग्स का भी अपना अपना होता है, कोई जल्दी अच्छे से ग्रो कर जाती है, कोई थोड़ा स्लो ग्रो करती है। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ गया पौधा अच्छे से, और इसमें भी कोई बर्ड्स तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और उसके अलावा देखिए एक ये कटिंग है मेरी, ये रही, इस पे भी अभी कोई फूल नहीं है, बहुत छोटी कटिंग है ये, मैंने अभी ग्राउंड में अभी लगाई है थोड़े दिन पहले ही, अब इसमें नई नई ये ब्रांच एक निकलना शुरू हुई है और इसमें फूल आएंगे। एक दो कटिंग्स मैंने अपने टेरेस पे लगा रखी हैं। तो इस तरीके से आप रोज़ को कटिंग से लगा सकते हैं, और हाँ धूप का थोड़ा ध्यान रखते हैं, छाया में अगर आप बिल्कुल शेड में लगा लेंगे पौधे को तो उसमें फूल नहीं बनेंगे। मैंने कुछ पौधे मेरे शेड में है अभी फ़िलहाल, और उनमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए ये मेरे जो पौधे हैं ये शेड में, इन पे धूप बहुत कम पड़ रही है, तो इसमें देखिए ब्रांचेस तो हैं लेकिन कलियां नहीं बनी है अभी तक, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो आप गुलाब का पौधा लगा रहे हो वो अच्छी सनलाइट में लगाएं, अच्छी धूप मिलनी चाहिए उसको, तभी आपका पौधा फूल अच्छे से बना पाएगा। तो दोस्तों आज गुलाब पे इतनी जानकारी थी, और नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखते रहिए पौधों का, और अपना भी ध्यान रखते रहिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फूलों का कैसे ध्यान रखेंगे फिर। तो सर्दी से बचे रहिए और बचाते रहिए अपने पेड़ पौधों को भी, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स।
गुलाब के फूल के साथ। बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।